नमस्कार, जनता की आवाज भ्रष्टाचारियों पर वार करने के लिए हाजिर हूं। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल है कि भ्रष्टाचार करने से मानता नहीं। जी हां, कुछ अधिकारियों का दिल ऐसा हो गया है कि वो खुलेआम खुलकर भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हैं, जनता के बीच जेब को काटने का काम करते हैं। सरकार विकास के लिए धुआंधार पैसे दे रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार करने से मानते नहीं हैं। इंडिया न्यूज लगातार ऐसे अधिकारियों से सवाल कर रहा है कि भैया, इतना काहे भ्रष्टाचार करते हो? पैसा कम देती है क्या सरकार? पेट भरने में नहीं आता है क्या? कहां ले जाओगे इतने पैसे? गरीबों का खून चूसते चूसते अब अधिकारी गाय के दुश्मन भी होने लगे हैं। वो गाय जिसे हम अपनी मां कहते हैं, वो गाय जिसे हम पूछते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर गौशाला का बजट रोका गया और धुआंधार भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन इंडिया न्यूज न कभी झुका है न कभी झुकेगा। लगातार ऐसे भ्रष्ट मुद्दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा और ऐसे अधिकारियों को बेनकाब करेगा। गाय का दुश्मन कौन? दरअसल अलीगढ़ में गौशाला का बजट रोकना अधिकारियों को भारी पड़ गया है। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन और मौजूदा 7 अधिकारियों के खिलाफ धारा 406 के तहत FIR दर्ज किया गया है। FIR में BDO सहित 7 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। बता दें कि फर्जी रिपोर्ट लगाकर गौशाला का 8 महीने का अनुदान रोका गया। इतना ही नहीं, कार्रवाई से बचने के लिए एक अधिकारी ने गौशाला जाकर गायों को अपनी मौजूदगी में उसे पिटवाया, और जिस पर गौशाला संचालक ने कहा कि कुछ अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में गौशाला के नाम पर एक नया घोटाला सामने आया है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के धर्मपुर गौशाला का है, जहां पर गौशाला संचालकों को अनुदान की राशि तो नहीं दी गई, लेकिन जो गौशाला के अंदर गायें थी उनको जबरन प्रशासन ने वहां से हटा दिया। पूरा मामला 2009 से शुरुआत हुई, जब अधिकारियों ने गौशाला संचालकों को गायें दी, उनको बोला गया कि इन गायों की देखभाल करिए, आपको उसके बदले में अनुदान मिलेगा। कुछ समय तक अनुदान मिला भी, लेकिन बाद में अनुदान के बदले में अधिकारियों ने पैसे की मांग की। जब गौशाला संचालकों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी उन गायों को अपना मानने से इनकार कर दिया, या कहकर मना कर दिया कि ये गाय वह नहीं है जो कि उनको दी गई थी भलन पोषण के लिए। पूरे मामले की जब शिकायत अधिकारी जो गौशाला संचालक हैं उन्होंने कोर्ट से की, कोर्ट ने पूरे मामले की छानबीन की। छानबीन के दौरान जो मामला सामने आया, उसके आधार पर कोर्ट ने 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी जब अधिकारियों को पता चली, तो अधिकारी जबरदस्ती आश्रम पहुंचे और जो आश्रम के अंदर जो गायें थी उनको जबरदस्ती गाड़ी में भरकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। जिसका विरोध जब गौशाला संचालकों ने किया, तो उनको भी डराया गया, धमकाया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने DIG से की। शिकायत के आधार पर अब आगे क्या कार्रवाई होती है, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन एक तरफ ऐसे अधिकारी, क्योंकि योगी सरकार तमाम दावे करती है, तमाम ऐसे कार्यक्रम चला रही है जहां पर जो गौवंश हैं, जो गायें हैं उनकी देखभाल हो सके और उनकी केयर हो सके, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी भी जी हैं जो मुख्यमंत्री की योजनाओं को ही पलीता लगाते हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज अलीगढ़। अलीगढ़ में 7 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इन अधिकारियों पर कोर्ट को मुकदमा दर्ज करने का आदेश क्यों करना पड़ा। दरअसल पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र का है, जहां पर धर्मपुर गांव में एक गौशाला है, जिसमें गौ प्रशासन ने कुछ समय पहले कुछ गायें वहां रखी थी और उसके बदले में कुछ अंशदान पैसे या उसके संरक्षण के लिए कुछ पैसे देने का कहा गया था। हालांकि जो व्यापारी हैं जिनकी 3-3 गौशाला हैं, इसके अलावा 2 गौशालाएं अलग है, उनके लिए पैसा लगातार आ रहा है, लेकिन जो अकराबाद ब्लॉक में जो गौशाला है इसके लिए पैसा रोक दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस पैसे के बदले अधिकारियों ने कुछ पैसे की मांग की। व्यापारी ने हालांकि इसकी शिकायत जब दर्ज कराई, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब परेशान होकर जो गौशाला संरक्षक है, व्यापारी भी हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने तमाम जांच करने के बाद में कोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, और मुकदमा दर्ज कराने की जब सूचना अधिकारियों को मिलती है, तो इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती शुरू होती है। आपको बता दें, अभी हम खड़े हुए हैं अकराबाद ब्लॉक में, जहां पर एक जो खंड विकास अधिकारी हैं लियाकत अली, उनके ऊपर ये आरोप है कि जब उनको इस मुकदमे की जानकारी हुई, तो वह गौशाला पहुंचे और गौशाला पहुंचकर उन्होंने जो है वहां पर जो गायें थी गौशाला के अंदर,
उनको वहां से जबरन गाड़ियों में बिठाया और बिठाने के बाद में उनको कहीं दूर स्थान पर भेज दिया ताकि वो कोर्ट में ये साबित कर पाएं कि जो तमाम आरोप अधिकारियों पर लगे हैं जिनकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है वह झूठा साबित हो सके। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाना चाहें कि इस समय हम खंड विकास अधिकारी के जो ऑफिस है वहां खड़े हुए हैं, जिनका नाम लियाकत अली है, इनके ऊपर आरोप है और आरोप ही नहीं है, पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैद होने के बाद में जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ जो प्रशासन मौन साध के बैठा हुआ है क्योंकि कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि कोर्ट में गौ संरक्षक है, उनको झूठा साबित करने के लिए प्रशासन इस कदर तक जा सकता है इसकी जानकारी गौशाला जो संरक्षक है उनको भी नहीं थी। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां योगी सरकार तमाम दावे करती है, तमाम पैसा खर्च कर रही है ताकि गाय और जो गौवंश है उनकी सुरक्षा हो सके, वहीं ऐसे अधिकारी हैं जो योगी सरकार की न सिर्फ मंशा को झूठा साबित करते हैं बल्कि उनकी जो मंशा है उस पर भी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। दरअसल अब आपको कुछ फैक्ट बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से गायों के लिए कितना रुपया दिया जाता है। दरअसल सरकार की तरफ से 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन उस पैसे में जो भी चारा आता है उसे भी अधिकारी रोक देते हैं और अधिकारी गबन कर लेते हैं, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और गौ माता के साथ मारपीट करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर गौशाला संचालक राकेश रासन और एडवोकेट सरदार मुकेश सैनी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी देखिए, स्वामी रामतीर्थ मिशन गौरक्षा अभियान से हम पिछले 20 वर्षों से अपने छोटे से अपने सेल्फ बजट से गौरक्षा का कार्य करते रहे हैं। इस दौरान हमने गौशालाएं बनाई जिसमें तीन वर्तमान में गौशालाएं धर्मपुर, मोहनपुर और कैमथल में बनी हुई हैं। वहां पर सरकार ने 2019 में हमको हमारी गौशालाओं में 1000 लगभग गौवंश हमको दिया तीनों गौशालाओं में मिलाकर। उसके लिए हमें इन्होंने सब कहा कि हम इस तरह हर तरह का विकास करवा के देंगे, लेकिन अंतोदया हमें दिया इन्होंने केवल 30 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन। उसमें भी 8-10 महीने बाद ही हमारी धर्मपुर गौशाला को इन्होंने एन के एन प्रकार पता नहीं क्या झूठी सच्ची रिपोर्टें लगाकर वहां का अनुदान बंद कर दिया। मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आज धर्मपुर गौशाला की तरफ से आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। जो व्यथा वेदना हमारी है, 30 रुपये प्रतिदिन चारा जो हमें सरकार की ओर से मिलता है वो चारे का अनुदान रोक लिया गया, कुछ समय में दिया गया। उस संबंध में राकेश रामसन जी द्वारा पत्राचार किया गया प्रशासन को। उस पत्राचार के उपरांत भी जब हमें धनराशि नहीं मिली तो हमने उसमें प्रेयर की, जब हम चारों ओर से निराश हो गए तब हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, जिसमें कुमारी आरती, ग्राम विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेंद्र कुमार, अकराबाद बाइस्ता डॉक्टर प्रतिमा यादव और बीडीओ दीपक कुमार, बाइस्ता पूर्व डॉक्टर, इससे पहले जानिब सीवीओ वगैरह 7 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई, जिन्होंने गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार हमारे साथ गौशाला और गौ माताओं के साथ किया। तो गाय के नाम पर कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, गाय का दुश्मन कौन हो गया, यह बड़ा सवाल उठता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार गाय के दुश्मन कौन हो गया। सरकार की तरफ से बजट दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं बीच में बंदरबांट कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय करवाते हैं फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रघुराज सिंह राज्य मंत्री हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर। और राम संस शिकायत करता है आप, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से हमारे सहयोगी हैं। प्रदीप, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा पूरा मामला क्या है, आप तफ्तीश से बताएं फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा मामला है, ये गौशाला के संरक्षक हैं, इनको पहले अनुदान के लिए अधिकारियों ने प्रेरित किया, इनको गाय दी गौशाला में रखने के लिए तकरीबन, क्योंकि गौशाला में जगह कम थी, 500 गाय की जगह थी, लेकिन बावजूद अधिकारियों कहने पर इन्होंने तकरीबन 1000 गायों को अपने यहाँ रखा। इनकी फिर जो गौशाला है वहां पर गवर्नमेंट रखे हुए हैं। तकरीबन 8-10 महीने एक गौशाला जो है जो अकराबाद में पड़ती है उसका अनुदान मिलता रहा, लेकिन जैसे ही अधिकारियों का तबादला हुआ अनुदान देना बंद कर दिया। जब इन्होंने पत्रकार से इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो गवर्नमेंट जो दिया गया है वो इनका नहीं है, इन्होंने कोई दूसरा गवर्नमेंट दिया था। लेकिन उनकी जब शिकायत बार बार की गई तो कोई सुनवाई न होने के बाद ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी अधिकारी जो थे, क्योंकि जांच के बाद ये साफ स्पष्ट हो गया था कि जो गवर्नमेंट है वो अधिकारियों द्वारा दिया गया,
ठीक है, रामसंत जी हमारे साथ शिकायत करता है। सर बताइए क्या आपकी शिकायत है, फिर इसके बाद रघुराज जी से मैं इसका जवाब लूंगा, क्योंकि आप मंत्री हैं, राज्य मंत्री, आप सही बता पाएंगे। शिकायत आपने जो दर्ज कराई है, अपनी बात बताएं। सबको जय श्री राम जी। हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि पहले तो जब अजय दीप जी और अनुनय झा जी और सीवीओ केपी वार्ष्णेय जी, इनके टाइम पर 2019 में 1000 निराश्रित गौवंश हमारी गौशालाओं को दिया गया, प्राइवेट गौशालाओं को, जहां हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं था, लेकिन अब ये हमने अपना सरकार के सहयोग में वहाँ गौशालाओं का निर्माण करवाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया कि सब गाय वहाँ पर अपने पूरी सुविधा से वहाँ पर सेवा पा सकें, जहाँ सरकार की फूटी कौड़ी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं लगी कहीं हमारी तीनों गौशाला। 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय जो इनका भरण पोषण का पैसा सरकार को देना होता है, वो 3 में से 2 गौशालाओं में तो देर सवेर करके मिल रहा है अब तक, लेकिन 109 गोवंश इन्होंने जो हमारी धर्मपुर गौशाला को दिया था उसमें कहीं झूठी मूठी रिपोर्टें क्यों लगाई भगवान जाने, लेकिन उसको डिफंड कर दिया कि साहब गौशाला वहां पर हमने कोई गाय हमारी नहीं है, और जो इन्होंने पहले गाय दी हुई थी वो इन्होंने रिकॉग्नाइज भी नहीं की कि ये हमारी है, बोले इसके टैग नंबर मैच नहीं करते हैं। जब आपने हमें गाय दी, यदि कोई टैगिंग की गई थी आपके द्वारा तो एक हमें कॉपी तो देनी चाहिए थी कि ये है, ठीक है, और ये हमको देखना है, और फिर उसके बाद में जब आपने टैगिंग की तो गाय के जो, ठीक है, आपकी बात आ गई रघुराज जी से। अब मैं सवाल इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि पहले संवाददाता से समझवाए फिर आपकी जो शिकायत है। रघुराज जी आप समझ गए होंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। आप लोग पैसा देते हैं और किसी प्रकार की कोई कोताही सरकार की तरफ से नहीं की जाती है, लेकिन अधिकारी जो है वो बीच में बंदर बांट कर ले रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? देखिए ये आदरणीय योगी जी को उनके पोर्टल पर तत्काल डालें और तत्काल कार्रवाई होगी, जो भी अधिकारी भ्रष्ट है वो जेल जाएगा, और उसकी मैं जांच कराऊंगा। आदरणीय योगी जी से भेंट करके मुझे एक बार लिख के दे दें कैसे कैसे इनके साथ हुआ है, और जो भी घटना घटित हुई है वो पूरा का पूरा आदरणीय योगी जी के पोर्टल पर डाल दें, तुरंत इनको जवाब मिलेगा। और उसके बावजूद अगर इनको कोई और ज्यादा शिकायत है तो मैं इनको सीधे आदरणीय योगी जी से मिलवा दूंगा, क्योंकि गौवंश के प्रति हम लोग बहुत गंभीर हैं। गौवंश जो है इस देश का देवता है, जिसको हम माँ कहते हैं, और मैं आदरणीय भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इनकी सराहना भी करता हूँ, इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है आप मुझे लिख के दीजिए। मैंने पहले भी ऐसे ही कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग के 9 अधिकारी चीफ तक सस्पेंड हुए थे, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी के यहाँ उनके दरबार में केवल पहुंच जाए, सही बात तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, इसलिए आप चिंता मत करिए आपके साथ न्याय होगा। बिल्कुल रघुराज जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, स्थानीय लोग डर के मारा वो कभी कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाते, आप लोगों तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती, आप लोगों की तरफ से ठीक है सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जो नीचे लूपहोल्स है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, सर इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए जुर्म करने वाले से जुर्म ठहरने वाला भी दोषी है, मैं ये कहता हूँ इस सरकार में, योगी सरकार में खुली छूट है, सही बात तो सही जगह पे स्थान पे कहना, और हम तुरंत कार्रवाई कराते हैं। अभी तक करीब करीब 1200-1400 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड है, जो जिन लोगों ने ऐसा काम भ्रष्टाचार का बेईमानी का लूट खसोट का किया, क्यों पुरानी सरकारों की आदत बनी हुई है, धीमे धीमे ठीक हो रही। आदरणीय योगी जी का साफ कहना है कि गौवंश के प्रति जरा भी लापरवाही जो भी अधिकारी करेगा वो जेल जाने का हकदार है, साफ सब का कहना बिल्कुल है, कहीं कोताही नहीं रहेगी। रामसंत जी शायद इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करा दिया। रघुराज सिंह जी भी हमारे साथ हैं, अगर आपकी जो शिकायत है जो आप कह रहे हैं इनसे अपनी बात रख सकते हैं, और या इनके तक आवाज जो है आपकी जो नहीं पहुंच पा रही थी वो आवाज पहुंचेगी और वो सुन रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। रघुराज जी प्रणाम आपको, भाजपा के पूरे अलीगढ़ के सभी विधायक और अपने सांसद
इन तक हमने अपने पत्र सब भेजे, उनको हमने सब बताई अपनी व्यथा बताई कि साहब जो है ये धर्मपुर गौशाला के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डीएम महोदय जो भी इस वक्त वर्तमान में है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की ऐसी कोई नीति ही नहीं है कि प्राइवेट गौशाला को अनुदान दिया जा सके। निराश्रित गौवंश दिया है तो हमने पूछा आपने दिया है तो आप अनुदान क्यों नहीं दे सकते हैं, और फिर पहले क्यों दे रहे थे, अभी कैसे दिक्कत हो गई है, 3.5 साल हो गया लगातार हमें कहते हुए और आप धर्मपुर गौशाला का नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी दोनों प्राइवेट दूसरी गौशालाएं दोनों वहां पर देर सवेर होके लेकिन मिल रहा है। यदि पॉलिसी नहीं है तो ये सबके लिए पैरामीटर तो एक ही रहेंगे ना, धर्मपुर के लिए उन्होंने गौवंश मात्र सहभागिता में दिया जा सकता है प्राइवेट को, बाकी सब गौवंश जो है वो पशु आश्रय स्थलों में रहेगा, प्राइवेट गौशाला में रखने का प्रावधान ही नहीं है। मुझे बड़ी सुनकर ये बात अजीब लगी कि यानी कि पहले कमिश्नर अजय दीप सिंह, अनुनय झा CDO और अपने CBO साहब KP वार्ष ने, क्या उनको कानून नहीं मालूम था, उन्होंने कौन से कानून के अंतर्गत प्राइवेट गौशालाओं में निराश्रित गौवंश दिया, हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने तो भगवान की भक्ति मानकर सेवा, गौ की सेवा, गोपाल की सेवा मानकर, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। रघुराज जी से आपने सवाल पूछा, रघुराज जी जवाब देंगे, राज्य मंत्री है और बहुत गंभीरता से बोलते हैं और इनकी बात जो है वो जरूर सुना जाएगा। रघुराज जी आपने सुना कि रामसंत जी अपनी बात वो रख रहे हैं, सर इनको आप क्या आश्वासन आप देंगे, कैसे इनका जो समस्या है वो समाधान हो? इनका रामसंत जी को मैं प्रणाम करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार लिखित में ये शिकायत भेज दे, मैं नंबर अभी इनको दे दूंगा और आदरणीय योगी जी के पोर्टल पर तुरंत डाल दें, मैं वहां से जो भी कार्रवाई, जो भी जांच आप चाहते हैं वो जांच करा दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी, और जो अधिकारी दोषी है वो जेल जाएंगे, ये मैं आपको कहता हूं। लीजिए रामचंद्र जी, एकदम आश्वासन आपको मिल गया है इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर ही कि जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आपको दोषी अधिकारी क्या कौन लग रहे हैं अभी बता दीजिए, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि आगे इनसे आप संपर्क साध लीजिएगा, आपका समस्या जो वो समाधान हो जाएगा। देखिए अधिकारी दोषी कौन है कौन नहीं इसका निर्णय मैं तो नहीं कर सकता, मुझसे तो कभी किसी ने मांग की नहीं है, मेरे पास तो जो सूचना आई धर्मपुर गौशाला से, जो हमारे वहां पर बाबा थे वो भी बाबा बेचारे स्वर्ग से धार गए, इतना कर्जा हो गया गौशाला के ऊपर, इतना प्रेशर हो गया उन्हें, वो असमय चले गए, तो हमने तो ये चाहा था कि भाई ये जो भी अधिकारी हैं जो गौशाला के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि बाबा प्रेशर में, ग्राउंड से प्रदीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं, प्रदीप बताएंगे। प्रदीप, इस पूरे प्रकरण को लेकर देखा जाए कि जिम्मेदार अधिकारी जो है वो आंख बंद किए हैं, और रघुराज जी ने कहा कि योगी सरकार जो है वो सख्त है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ी लूपोल्स कहां आ रही है, खामियां कहां रह रही हैं, गाय का दुश्मन कौन है थोड़ा बताइए। देखिए मेरी नजर के अंदर तो दुश्मन कोई नहीं होता है, सिस्टम के अंदर कहीं प्रदीप जी से, रामचंद्र जी ये सवाल प्रदीप जी से थे, हमारे ग्राउंड के हमारे रिपोर्टर है वो बताएंगे आपको, हमारे संवाददाता है प्रदीप। सौरभ आपको बता दें कि जो पूरे मामले में जो लापरवाही नजर आ रही है साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, FIR जो हुई उसके आदेश का पालन न करके अधिकारियों ने जिस तरह से गौशाला में जाके गौवंश को वहां से हटाया और जबरन वहां से फिर दूसरे से शिफ्ट किया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा साफ नजर आती है कि वो कार्रवाई न करने के बजाय इधर उधर से बहाने लेकर इसको मामले को टालना चाह रहे हैं। जी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही, ठीक है। रघुराज जी देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे शिकायत की बात होगी, आप कह रहे हैं कि पोर्टल पे डाल दीजिए, बहुत सारी बात बहुत ऐसी बात आई है कि पोर्टल पे लोग शिकायत कर देते हैं लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होती, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ऐसा ये मुझे दे रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं आज आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैं परसों लखनऊ पहुंच जाऊंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाके मैं परसू कर लूंगा, और मैं बता जिन जिन अधिकारियों के गड़बड़ी की है उन सबका आप लिख के देते हैं, जांच करा के जो भी दोषी अधिकारी होगा वो जेल जाएगा। लीजिए अब इतना बड़ा आश्वासन शायद आपको रामचंद्र जी कहीं नहीं मिल सकता था, जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया, सीधे आप राज्य मंत्री से ही बात कर पा रहे हैं, बोल दीजिए अपनी और बातें जो कुछ रही हूं। एक बात मुख्य ये भी है कि जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
ये पूरी टीम जो है ये गौ रक्षा के लिए है, जो इन्होंने 5 तारीख को जो उत्पीड़क कार्रवाई की है और गायों को जिस हिसाब से डंडे मार मार के इन्होंने वहां से हटाने की कोशिश की है, वो तो कम से कम बहुत बड़ा अपराध बनता है। वो तो जो भी लोग उसके अंदर शामिल थे, जो भी अधिकारी, किस अधिकारी के ऑर्डर पर उन्होंने ऐसा गलत काम किया कि जो गाय वहां पर सुखपूर्वक रह रही है उनको आप वहां से हटाने के लिए, वो भी अपनी कमी छुपाने के लिए आप वहां से हटाएंगे और घर में वहां ले जाने के लिए आपने गायों के ऊपर इतना अत्याचार किया, जो वीडियो के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि आपने कितना बुरी तरह से इन्हें मार मार के गाँव में भरा है। 12 गायों का अपहरण गौशाला से कर लिया और आज तक हमारे बार बार कहने पर वो 12 गौवे हमारी जो गौवंश है वापस भी नहीं आया। और हमें ये पता लगा जहां आप इसे ले गए हैं लोधा में, वहां पर गाय जाकर उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। ठीक है। और अभी मुझे हाल का तो मालूम नहीं है क्योंकि वहां से समाचार आना बंद हो गया है, इनका वहां पर काफी प्रेशर है, लेकिन हो सकता है वो 12 गौवों में से कुछ ही का स्वास्थ्य बिगड़ गया हो या किसी ने प्राण भी त्याग दिए हों, क्योंकि गाय अपने करने वाले से और अपने खूंटे से बहुत प्रेम करती है। गाय इस तरह से ले जाना नहीं चाहिए था, अगर कहीं ले जाना जरूरी भी था, पहली बात तो क्या जरूरी है जब हम गौशाला ही पूरी देने को तैयार हैं कि भाई हमारे 112 गौवंश है यहाँ पर, आप 112 गौवंश को प्यार से यहाँ पालिए और हमसे जो सहयोग चाहिए हमसे ले लीजिए। आप हमको अनुदान नहीं देना चाहते, ना दीजिए, गौशाला बनी बनाई ले लीजिए ना, गाय को हटाने की क्या जरूरत है। हम आपको जमीन भी दे रहे हैं, बनी हुई गौशाला दे रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, जो आपको लगे हमसे अच्छा कार्यकर्ता आपके पास कोई हो। चले ठीक है, आपकी ये बात तो आ गई। एक सवाल मेरा है रघुराज जी, मेरा ठीक है सर, आपकी बात आ गई रघुराज जी। एक मेरा सवाल देखिए, जैसे आप लोग 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से पैसे देते हैं और पैसे सरकार की तरफ से लगातार आते हैं, विभाग को बांट दिया जाता है, क्या एक रेगुलेटरी बॉडी भी ऐसी है जो ये देखे, ये जाने कि आखिरकार जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है वो सही दिशा में जा रहा है या बीच में ही बंदर बांट कर लिया जा रहा है। सर इसके लिए भी कोई प्रावधान आप लोगों ने किया है? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करूंगा और ये प्रावधान कराऊंगा, क्योंकि ये पहली बार मेरी संज्ञान में ऐसा आया है, इसलिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि गौ माता के आशीर्वाद से ही हमारी देश में और प्रदेश में सरकार है, हम गौ माता के रक्षक हैं, इसलिए जो भी रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं इनकी पूरी कोर्ट शिकायत लिखित में करें, सारी की सारी लिखित में है, जो भी स्थिति गौ माता के साथ हुई, गौ माता को मारा है, पीटा है, ये सब जो भी वीडियो के साथ मुझे दे दें, मैं कार्रवाई कराऊंगा। बिल्कुल कार्रवाई कराने जी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि कार्रवाई कराएंगे, राज्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कार्रवाई कराएंगे। ठीक है प्रदीप, आपसे ये सवाल कि कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है, अब क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों को थोड़ा नाम अगर कोई स्पष्ट हो या कौन कौन से मामले हैं, ये मामला कैसे प्रकरण में आया, क्योंकि ये आज का तो मामला है नहीं, काफी समय से ये चला आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी एक हफ्ते पहले इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई कोर्ट के आदेश से, तो उसी को लेकर यह मामला प्रकाश रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय जो गौवंश था गौशाला के अंदर, उनको जबरन वहां से, जैसे रामचंद्र जी ने बताया कि उनको जबरन वहां पे दूसरी गाड़ियां लेकर तकरीबन 20 लोग आए थे और गायों को मारपीट की गई, मारपीट के साथ में उनको जबरन गाड़ियों में डाला गया, उसके बाद में मामला प्रकाश रहा है। लेकिन अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय अपनी जो गर्दन है उसको निकालने में बचे हुए कि किसी तरह कोर्ट में उसको पूरे साबित कर दे। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रामचंद्र जी आपकी भी आवाज इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य मंत्री तक हमने पहुंचा दिया है और उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि आपका समस्या जो है वो समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला इंडिया न्यूज के लिए। गाय के दुश्मन कौन, तो मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले की शिकायत आप मुख्यमंत्री के पोर्टल पर कीजिए, कार्रवाई जरूर की जाएगी, आश्वासन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर दिया गया है, जो भी अब गाय के दुश्मन है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।